हे गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल। तो जैसा आपको पता चल ही गया होगा अब तक कि एसएससी सीजीएल का जो 2018 और 19 का जो एग्ज़ाम हुआ है टायर वन का, उसका रिजल्ट आ गया है। तो आप भी अगर इनमें से एक हैं तो आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उनका सिलेक्शन होगा अगले साल अगर वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनको सिर्फ मेहनत करनी है अगले साल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या गई है कट ऑफ और क्या पोस्ट मिलेगी लोगों को, उसके बारे में जान लेते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने बच्चे गए थे पेपर देने। तो वो गए थे सिर्फ 8,34,746 बच्चे गए थे सिर्फ पेपर देने, जिनमें से रजिस्ट्रेशन किया था 25.97 लाख। तो देखिए ऑलमोस्ट 26 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया और सिर्फ 8 लाख अराउंड बच्चे गए थे पेपर देने, जो कि है 32.27। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि रजिस्टर बहुत बच्चे कर लेते हैं और एसएससी वालों को उसमें सारे बच्चों के लिए सीट्स बनवानी पड़ती है, बट बच्चे पेपर देने नहीं जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपने भी भरा था और देने नहीं गए हैं तो ऐसा मत करिएगा, इससे लॉस होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू को भी लॉस होता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए डब्ल्यू पोस्ट के लिए क्या गई है कट ऑफ। डब्ल्यू पोस्ट के लिए गई है जनरल की कट ऑफ 170। जी हाँ, इतना ज़्यादा हाइक हुआ है इस बारी। लास्ट ईयर ये गई थी अराउंड 148 और इस साल गई है 170। तो देखिए ऑलमोस्ट 22 मार्क्स का इजाफा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक साल के लिए, ऑलमोस्ट 22 मार्क्स का हुआ है, तो इसके लिए काफ़ी गई है। और ये ओबीसी की गई है 165, इसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। एसटी के लिए गई है 141.86 और एससी के लिए गई है 148.96। तो सब में ही काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है इस बारी। देखिए टोटल बच्चे जो देंगे टायर टू का मार्क्स, वो है टायर टू का एग्ज़ाम जो देंगे उनके नंबर है 15,162। तो आप भी इनमें से एक हैं तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे देख लेते हैं जीएसओ पोस्ट के लिए देख लेते हैं। इसमें देखिए अनरजिस्टर्ड जर्नल की कट ऑफ गई है 165। जी हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लास्ट ईयर ये गई थी 146 अराउंड। तो इस बार 19 मार्क्स का ऑलमोस्ट इजाफा हुआ है इसमें, इसमें ये भी काफ़ी ज़्यादा है। ओबीसी की गई है थोड़ी सी कम गई है जर्नल से 162, एसटी की गई है 129 और एससी की गई है 140.11। तो इस बार भी काफ़ी इजाफा हुआ है जीएसओ पोस्ट के लिए, और ये बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं टायर टू के लिए उनका नंबर है 8,578। ठीक है, अब ये देख लेते हैं जो बाकी और पोस्ट होती है उनमें कितना सिलेक्शन हुआ है। तो उसकी कट ऑफ क्या गई है, वो गई है 137.07 गई। इसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो। ओबीसी की गई है 131, एसटी की गई है 103.22, एससी की गई है 111.10। तो ये देखिए कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है इस साल इसमें भी बाकी पोस्ट के लिए, और इनका नंबर ज़्यादा है जो पेपर देंगे, ये अराउंड है 1,50,396 बच्चे पेपर देंगे टायर टू का बाकी पोस्ट के लिए। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं लास्ट ईयर क्या गई थी कट ऑफ। तो देखिए ये लास्ट ईयर गई थी जो हमारी डब्ल्यू पोस्ट के लिए, जैसा मैंने आपको बताया 148 गई थी लास्ट ईयर, और इस ईयर कितनी गई है 170। तो आप देख सकते हैं 22 मार्क्स का इजाफा हुआ है। ऐसे ही जीएसओ पोस्ट के लिए गई है 146 और इस ईयर कितनी गई है, वो गई है 165। तो ऑलमोस्ट 19 मार्क्स का इजाफा इसमें हुआ है जीएसओ में, और बाकी जो और पोस्ट होती है उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। इस साल गई है 135 अराउंड गई है और लास्ट ईयर गई थी 126। तो ये देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट 9 मार्क्स का इजाफा हुआ है। तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, अगर आप इनमें से एक हैं तो आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आपका नहीं हुआ है तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूर आप अपना जो फेलियर आपको मिला है इसे भूलिएगा नहीं, इसको ही सोचते रहना है और मेहनत करनी है, ताकि अगले साल आप और बेहतर कर सके। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप और मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम अपना जीएस का न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है।